आज हम अध्याय चार अर्थशास्त्र के वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जिसका प्रकरण है विश्व भर के उत्पादों को एक दूसरे से जोड़ना, जिन्हें हम वैश्वीकरण कहते हैं। विश्व भर में जितने भी उत्पाद होते हैं उनको एक दूसरे से जोड़ना, साथ में ही अलग अलग देशों में उनका वितरण करना वैश्वीकरण कहलाता है। तो कल हमने पढ़ा था अंतर्देशीय उत्पादन के बारे में। तो अंतर्देशीय मतलब कि देश के भीतर होने वाला उत्पादन, तो देश के भीतर जितना भी उत्पादन होता है ऐसा हुआ करता था जो कि यह उत्पादन देश के भीतर होता था। जैसे कि भारत में ले लें, पहले कच्चा माल जो होता था वह कच्चा माल पहले इंग्लैंड जाता था, पक्का माल बनकर तैयार होकर भारत में आता था। तो यह अंतर्देशीय उत्पाद भारत जैसे उपनिवेश जो भी थे वह कच्चा माल तो बेचते परंतु पक्का माल वापस खरीदते थे। व्यापारी दोनों देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था कि बड़ी कंपनियां जिन्हें हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी कहते हैं, ये जो बहुराष्ट्रीय होती हैं ये अलग अलग देशों में सस्ते स्तर पर सस्ते जो भी चीजें होती हैं उनके ऊपर अपना नियंत्रण पहले से ही रख लेती हैं। जैसे जो उत्पादन सस्ता जहां पर उत्पादन हो रहा है उसके ऊपर अपने आप में पहले से ही अपना नियंत्रण बना लेती है। वह नियंत्रण अपने ही कंपनी के नाम से ही उस जैसे ये जो उत्पादन कर रहा है वह उत्पादन कर रहा है मजदूर, ये उत्पादन मजदूर करेगा, परंतु ये जो मजदूर का उत्पादन होगा यह उत्पादन के ऊपर नियंत्रण कर लेगी बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अब ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसके ऊपर उत्पादन पर नियंत्रण करेगी, तो इस उत्पादन के ऊपर जैसे कि यहाँ पर साबुन बना लिया, अब इस साबुन के ऊपर अपना ही नाम अपनी कंपनी का जो भी रिटर्न होगा वह अपने आप ही यहाँ पर लगा रहेंगे, ताकि यह लगेगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादन किया हुआ है। ऐसे ही भारत में फोर्ड अपनी जो मोटर कार वाली जो कंपनी है वह भी इस तरीके से विदेशी कंपनी है, परंतु विदेशी कंपनी होते हुए भी उसने अपना जो लोगो है वो भारत में उत्पादन कर रही है, परंतु अपना लोगो जो है वो विदेशी कंपनी का लगा रखा है। उत्पादन उसका भारत में हो रहा है, उसका जो सारा जो सामान है वो भी भारत से ही लिया जा रहा है। तो इस तरीके से बाकी जो उत्पादन किया जा रहा है वो भी अन्य देशों में इस तरीके से किया जा रहा है। साथ ही ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है बड़ी बड़ी ये कंपनियां अलग अलग देशों पर अपना नियंत्रण रखती है। अब देखो भारत
कभी-कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं, इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन भी करती है, परंतु संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनियों को दोहरा लाभ होता है। कैसे? पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान भी कर सकती है, जैसे कि तेल उत्पादन के लिए मशीनें खरीदने के लिए। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ अपने साथ में भी ला सकती है। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना है और उसके साथ उत्पादन का प्रसार करना है। मैंने आपको बताया है कि ये छोटे उत्पादनकर्ता जो होते हैं उनके ऊपर अपना नियंत्रण बना लेती है ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर बताया है, अलग अलग देशों में अलग अलग छोटी छोटी कंपनियों के ऊपर अपना नियंत्रण बना लेती है, या छोटे छोटे मजदूर जहाँ पर ये उत्पादन होता है उनके ऊपर ही ये नियंत्रण बना लेती है कंपनियां, और अपना लोगो बनाकर वहां पर अपने हिसाब से ये तैयार करके करते हैं, परंतु इनके ऊपर ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं अपना नियंत्रण कर लेती हैं और उनका जो माल होता है उनको बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ही बेचना होता है, और इसके स्थान पर ये जो बेचने का काम बहुराष्ट्रीय कंपनी करते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने हिसाब से अपना लोगो उसके ऊपर लगाती हैं, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां अलग अलग देशों में विभिन्न देशों में यह सामान बेचती भी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां नए तरह से अपना उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही है, जिससे कि नई देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक अपना संबंध भी बना रही है। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके, स्थानीय कंपनियों के निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीद के बहुराष्ट्रीय कंपनियों तक दूरस्थ स्थानों के उत्पादों पर अपना नियमित प्रभाव भी जमा रही है। यहाँ तक कि आपने देखे होंगे चीन के खिलौने भारत के बाजार में आ गए, कैसे आए, किस तरीके से आए, तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से ही आए। भारतीय कंपनियों ने चीन के जो भी बहुराष्ट्रीय छोटे जो उत्पादक थे उनके ऊपर नियंत्रण किया, या चीन के जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी वो भारत में पहुंचाने के लिए जो है सक्षम हुई, इसीलिए चीन के खिलौने जो थे वो भारत के मार्केट में आए। इसी तरीके से हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं वो विदेशों से हमें आसानी से मिल सकती हैं। विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण, तो अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कि है विदेश व्यापार एवं बाजारों का एकीकरण। तो विदेश व्यापार
अभी इसी माध्यम से ही आए थे, व्यापार के माध्यम से ही आए थे। उससे पहले भी फ्रांस से, डच है, वो भी अपने भारत में आए थे, वो भी इसी माध्यम से आए थे कि हमारे भारत में व्यापार अच्छे से हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा उस बात को उपनिवेश बना दिया गया था अंग्रेजों ने, वो भी इसी माध्यम से बनाया था कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार कर सके, अन्य देशों में कर सके। तो जैसे यूरोप की कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ऊपर नियंत्रण कर रखा था, वो भी इसी कारण कर रखा था कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करके हम लोग विदेशों में बेचें। तो पहले क्या होता था, कच्चा माल भारत से जाता था और पक्का माल, तैयार माल जो होता था वो आता था, परंतु अभी जो है भारत से ही तैयार माल भी बाहर जाता है और जो तैयार कच्चा माल होता है वो भारत में भी आता है। मतलब कि ये जो विश्व बाजार में जितने भी आप लोग देखते हैं, अलग अलग तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं वो देखते हैं, वो अलग अलग स्थानों पर उत्पादन करके अलग अलग स्थानों पर बेची भी जाती है। ज़्यादा नहीं ले सकता हूँ, कोई भी मांग, मार्केट में जाओ, विदेशों में जाओ, आप लोग कहीं पर भी जाओ, जिस चीज़ की रेट जितनी ज़्यादा है जितनी ही है उतनी सब सभी देशों में वही रेट होती है। आपको इतना भी पता होगा कि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम लोग को पता रहता है कि इस चीज़ का मूल्य क्या होना चाहिए और क्या है। तो इस तरीके से ही हम लोग पहले से ही तय कर लेते हैं कि इतना जो है हमारे लिए व्यय होता है। तो वैश्वीकरण क्या है, विगत 2-3 दशकों से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन
भारत की कंपनी नहीं है, परंतु भारत में सस्ता श्रम लागत होने के कारण यह कंपनी जो है भारत में लगी।